जांच में जुटी हुई है। और उधम सिंह नगर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शताब्दी एक्सप्रेस को रोकने का प्रयास किया गया। रेलवे लाइन पर पोल लगाकर रोकने का प्रयास किया गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। रुद्रपुर सिटी के पास का पूरा ये मामला है। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर, शताब्दी एक्सप्रेस को रोकने का प्रयास किया गया और रेलवे लाइन पर पोल लगाकर रोकने का प्रयास किया गया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता मुमताज हमारे साथ जुड़ गए। मुमताज, क्या कुछ जानकारी अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मिल पाई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है जो दिल्ली पर होकर जो है रामपुर डिस्ट्रिक्ट आ रही थी, रामपुर डिस्ट्रिक्ट के जो है रुद्रपुर की ओर होते हुए जो है लखनऊ जाने की, बताया जाता है कि जो रुद्रपुर सिटी है और जो बिलासपुर की जो यूपी बॉर्डर है वहां पर एक कॉलोनी पड़ती है, तो वहां पर जो है कुछ शरारती द्वारा लोगों द्वारा जो है ट्रेन के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जो है जो रेलवे ट्रैक था उस पर जो है विद्युत का जो यूनिपोल होता है वो पूरी तरीके से आड़त अच्छा डाल दिया गया था, जिसके बाद जो है लोको पायलट द्वारा उसको देखा गया। लेकिन जिस सूझबूझ से जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोको पायलट की सूझबूझ से जो है एक बड़ा हादसा होने पर टला और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए जो है इसकी जानकारी तत्काल जो है रुद्रपुर की जो रेलवे स्टेशन है वहां पर दी और संबंधित जो है जीआरपी को दी, जिसके बाद जो है पुलिस जो जीआरपी और आरपीएफ जो होती है वो मौके पर पहुंची और जो है उसको जो है तत्काल कमरे को जो है हटाया गया और जो है सुरक्षित जो है उसको अपने गंतव्य की ओर भेजा गया। हालांकि इस मामले में जो है पुलिस जो है पूरी तरीके से जांच में जुट गई है और इस पूरे मामले का जो मुकदमा है वो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा जो है 150 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ रामपुर जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोको पायलट की एक सूट जिसे जनशताब्दी थी वो किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई है। जी ठीक है मुमताज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।